मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शहर विधानसभा से प्रत्याशी बनाए जाने पर हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल ने हर्ष व्यक्त किया, जिसके संबंध में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदू युवा वाहिनी के मुख्य संरक्षक हैं तथा पहले वह गोरखपुर से सांसद थे तथा वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं तथा एक अच्छा कार्यकाल पिछले 5 साल रहा है तथा उन्होंने जनपद को एक नई पहचान दिया है तथा पूरे प्रदेश का विकास किया है। उन्होंने कहा कि हम सभी हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं को गर्व है कि हम सभी को फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सदर विधानसभा में चुनाव प्रचार करने का अवसर प्राप्त होगा तथा गोरखपुर की जनता एक अच्छे नेता को ही नहीं चुनेगी बल्कि पूरे प्रदेश का विकास करने वाले मुख्यमंत्री को चुनेगी जो गोरखपुर से जीतकर दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, जिनकी डिमांड पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रहा है। उन्होंने कहा हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता अपनी तैयारी में जुट गए हैं तथा भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चुनाव प्रचार में भाग लेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल ने कहा परम पूज्य महाराज श्री हिंदू वाहिनी के मुख्य संरक्षक हैं और पूर्व में सांसद रहे और वर्तमान में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हैं। एक यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में उनका 5 साल का कार्यकाल केवल हमने नहीं पूरा विश्व देखा है गोरखपुर की जनता के साथ में, और हिंदू वाहिनी को गर्व है कि हमें ऐसे व्यक्ति का चुनाव में वोट डालने का और उनके चुनाव प्रचार करने का अवसर मिलेगा जो गोरखपुर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, जिस व्यक्ति ने पूरे उत्तर प्रदेश को एक नए नेतृत्व दिया है। आज के आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि गोरखपुर की जनता एक विधानसभा सदस्य ही नहीं चुनने जा रही है पूज्य महाराज जी को गोरखपुर शहर विधानसभा से, ये उत्तर प्रदेश के एक अच्छे कुशल नेतृत्वकर्ता मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने कार्य किया है, जिनकी भारतवर्ष में पूरे चर्चा हुई है एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में, ये प्रथम श्रेणी के मुख्यमंत्री के रूप में अन्य राज्यों के लोग भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे अपने राज्य में भी मुख्यमंत्री चाहते हैं और विदेश में ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे राजनीतिक चाहिए, ऐसे व्यक्ति को हम चुनने जा रहे हैं तो ये समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में गोरखपुर के इस शहर विधानसभा में लोगों की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्हें विश्व को दिखाना है कि आपने जिसको सही कहा उसको हम कितना अपना लाड़ प्यार और महत्व देते हैं, इसके लिए चुनाव होना है। हिंदू वाहिनी की क्या तैयारी? हिंदू वाहिनी का तैयारी तो हम लगातार करते रहे हैं। हिंदू वाहिनी कार्यकर्ता साल के 365 दिन केवल चुनाव की दृष्टि से नहीं लगातार सामाजिक क्षेत्र में अपना कार्य करती रही है, और सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते करते हाँ चुनाव की दृष्टि से कुछ अलग कार्य करने पड़ते हैं, जैसे मतदाताओं को उनका मतदाता सूची में नाम चिन्हित करवाना, उनको ये करना कि कोई कठिनाई ना हो वोट डालने में, कोविड का प्रोटोकॉल का कोविड का अनुपालन करते हुए नियमों का हम उनको कैसे सुरक्षित मतदान करा सकें, इन सब चीज़ों पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं के साथ मिलके हमारे कार्यकर्ता सहयोग करेंगे और सहयोग करके एक एक वोट मतदान पड़े और पूज्य महाराज जी यहाँ से एक कीर्तिमान स्थापित करके चुनाव जीते, इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं।